स्टार्ट हो गई। ओके फाइन। तो भाई आज क्या पढ़ाएंगे? स्टार्ट। ठीक है, आज है टॉपिक पढ़ाने का आपका। कल मेरी लाइक फर्स्ट बुक ज्योग्राफी खत्म हो गई थी। फाइन, आज है सेकंड बुक। राइट, इन सेकंड बुक हम स्टार्ट करेंगे कि ज्योग्राफी का चैप्टर जो है आपका पहला वाला। राइट, तो फर्स्ट बुक में क्या था, नॉर्मली हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करी थी। ऑल दो मुझे वो सेकंड में करवानी चाहिए, मैंने पहले करवा दी थी। तो आज जो है हमारा जो चैप्टर है वो डील करेंगे हम कि लाइए तुम सेकंड बुक। ओके, कोई नहीं। तो सेकंड बुक डील्स विद द जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट ज्योग्राफी, कि एक्चुअल में ज्योग्राफी है क्या, किस चीज से बनी है। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ते क्या क्या है, लाइक ओशनोग्राफी, ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं। राइट, ये सब हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे इस वाली बुक में। यही है चैप्टर वन है इस ज्योग्राफी का। चैप्टर वन ऑफ दिस बुक ऑफ ज्योग्राफी कंसिडर्स ओनली व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है उस पूरे चैप्टर में, क्या, हु गेव द टर्म ज्योग्राफी। प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, एराटोस्थेनीस अ ग्रीक स्कॉलर, लिख लो इसको, द ग्रीक स्कॉलर एराटोस्थेनीस, Eretos, Eretos, Thenes, Thenes, gave the term geography. तो इसमें क्या सीन है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जियो एंड ग्राफोस। ठीक है, जियो इन अर्थ एंड ग्राफोस मीन स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ, यही ज्योग्राफी। अर्थ के बारे में उसके फिजिकल फीचर्स, लाइक माउंटेन्स हैं तो वहीं पे क्यों है, क्यों हमारे साउदर्न इंडिया में इतने सारे वॉल्केनो नहीं आते, क्यों अंडमान निकोबार में आते हैं, क्यों आपके हिमालयाज में लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होती हैं, क्यों हिमालयाज की हाइट सबसे ज़्यादा लंबी होती है, अरे और अभी भी बड़ी हो रही है, उसने भी बताया था, कल ही बताया था। राइट, सो इनके ओरिजिन, लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई एंड व्हेन, ये क्या है, कहाँ पे है, क्यों है, और क्या है, कब से, व्हेन, लाइक टाइम, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ज्योग्राफी में देखते हैं। कोई भी चीज को लेके ज्योग्राफी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग, इसके हर एक चीज में रीजनिंग है। कोई इट्स लाइक इट्स अ साइंस व्हिच डील्स विद व्हाई द थिंग इज देयर, व्हाई कॉन्टिनेंट्स आर अपार्ट। देखा जाए ऐसे, आज हम अगर पहुंचे उस चैप्टर पे तो देखेंगे, ध्यान से देखो, साउथ अमेरिका का पोर्शन देख रहे हो, लाइक दिस वन ईस्टर्न साइड, और अफ्रीका का पोर्शन देखो, अगर इनको मिलाया जाए तो मिल नहीं जाएंगे आराम से। तो पीपल हैव ऑल्सो थॉट ऑफ दिस कि कभी ना कभी एक साथ थे, क्योंकि कोस्ट लाइन एकदम एग्जैक्ट मैच बना रही है। तो ये सब चीजें हैं जो कि ज्योग्राफी डील करती है। तो इस बुक में कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें ज्यादा हैं। हरिवंश तुम्हें ना बीच में आ रहा, दिख नहीं रहे मुझे। ओके, तो इस बुक में कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें ज्यादा हैं। राइट, तो पहला क्या है आपका, ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ, लिख लो इसको भी, ज्योग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। राइट भाई, और जो सेकंड चैप्टर है इसका, लाइक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के ऊपर है। दिस इज समवट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि कैसे हमारी अर्थ ओरिजिन हुई, अर्थ ही नहीं कैसे बाकी प्लैनेट्स भी ओरिजिन हुए, कैसे यूनिवर्स ओरिजिन हुए। कोई पढ़ गया इन चैप्टर्स को, पढ़ा, रीडिंग करी, गुड, रीडिंग पक्का देनी है, मैं नहीं कह रहा समझ ही आएगा, रीडिंग पक्का देनी है। तो अलग अलग लोगों ने हाइप पहले ना देखो क्या था, जब हम लाइक जब ये लोग सोच रहे थे कि भाई अर्थ कैसे बनी, पहले इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे इतने सारे, तो लोगों ने हाइपोथेसिस बनाने शुरू करी। लाइक पहले तो इस लोग ये सोचते थे कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है। राइट, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, देन वी केम टू नो आउट कि सन नहीं, अर्थ घूमती है सन के बराबर में। राइट, तो ये कहानी है, ऐसे लोगों ने हाइपोथेसिस दिए, एंड दिस इज वन ऑफ द हाइपोथेसिस गिवन बाय दिस वन लैपलेस। लैपलेस गेव द नेबुलर हाइपोथेसिस, क्या बोला इसने, कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते घूमते बने। बोला सन था एक गैसियस पार्टिकल था, जिसमें हाइड्रोजन आपस में मिलके हीलियम एटम बनाया उसने। तो हाइड्रोजन ने आपस में मिलके हीलियम एटम बनाया, तो क्या नहीं हो रहा, फ्यूजन हो रहा है ना। तो सन में, इसको याद रखना जिंदगी भर, ये क्वेश्चन आता है, सन में फ्यूजन रिएक्शन होता है। सन में कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। ये सन और सारे स्टार्स, बिकॉज सन इज अ स्टार, तो एवरी स्टार हैज दिस प्रोसेस। तो सन में ये जो आपका प्रोसेस है, सन में हो रहा है फ्यूजन रिएक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हैवियर एटम्स थे, क्या थे, जो हैवियर एटम्स थे
वो उसके राउंड राउंड घूमने लगे। ये हैवियर एटम्स है लाइक CO2, N2, FeO2 एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये सब इसके राउंड राउंड घूमने लगे। और राउंड राउंड घूमते घूमते ये इकट्ठे होते गए, इकट्ठे हुए तो इनमें कोहेशन हुआ, फोर्स लगी, आपस में चिपके, एक्रीशन हुआ, वही चिपकना एक तरीके से। और फाइनली ये घूमते घूमते राउंड शेप बॉडी प्लैनेट में कन्वर्ट हो गए। पहले प्लैनेटिसिमल्स मतलब वही स्मॉल पार्टिकल्स को थोड़ा जोड़ दो और प्लैनेटिसिमल्स से बन गया आपका क्या, प्लैनेट, समझाई। इसलिए सारे प्लैनेट सन के साइड में घूम रहे हैं। ये थे नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर मतलब क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, सारे गैसेस पार्टिकल से, गैस में डस्ट पार्टिकल भी है, ठीक है, ये सब आपस में घूमते रहे। बाहर की तरफ कौन घूम रहा है, हैवियर एटम्स, दे आर हैवियर एटम्स जो कि बाहर की तरफ सेटल हुए। जो लो एटम थे उन्होंने फ्यूजन करा सन में आके, दैट इज हाइड्रोजन हीलियम, है ना, पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के समय हाइड्रोजन हीलियम, हा हेली बेबी, राइट। तो ये मामला था नेबुलर हाइपोथेसिस का, किसने दिया, लैपलेस ने। नेबुला क्या होता है, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ऐसा इसने हाइपोथेसिस दी अराउंड 1796। बताओ हमारे यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स धूम मचा रहे थे इस टाइम, है 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, हम क्या ही सोचते इसके बारे में, राइट। तो दिस इज नेबुलर हाइपोथेसिस, ये मैंने बता दिया, ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, तो उसको डायग्राम बना लो हल्का सा, इंपॉर्टेंट ये है, बिग बैंग थ्योरी जो आज भी फॉलो हो रही है, ओके, इसको बना लो फटाक से, नेबुलर हाइपोथेसिस हेडिंग डालो, लिखो नेबुलर हाइपोथेसिस गिवन बाय लैपलेस ओके। किसी ने कहा, जैसे एक बंदा था आपका दिस वन कैम्बल एंड मॉल्टन, इन्होंने कहा क्या बोला, सन है, सन ही घूम, सन में से ही क्या निकला, एक स्टार निकला, एक लाइक एक पार्टिकल निकला, क्या हुआ था, सन ऐसे था नॉर्मल, पहले सबसे पहले सन था, एक स्टार आया, ठीक है, स्टार इसके पास से निकला, जब स्टार इसके पास से निकला इसके कुछ पार्टिकल सेपरेट हो गए, इसके आसपास घूमने लगे और वो पार्टिकल्स आपस में बाद में फ्यूज होते होते प्लैनेट बन गए। हाइपोथेसिस है, इनका कोई रोल नहीं है लाइक ये रियलिटी है, लाइक कुछ भी है, तो बोला अर्थ ऐसे बनी, दिस इज गिवन बाय दिस वन कैम्बल एंड मॉल्टन, ओके। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू नॉर्मल हाइपोथेसिस। अब क्या हुआ, लोगों ने बोला कि अर्थ ही नहीं, लेट कंसिडर अबाउट यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स लाइक गैलेक्सी, स्टार्स, मेटेयर्स, बहुत सारे प्लैनेट, मून कैसे आया, है ना, ड्वार्फ प्लैनेट, ये सब कैसे, यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट हुआ, एग्जिस्ट हुआ। देन अ थ्योरी केम विच इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी, विच थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज लमाइटर इन 1927, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, ओके। क्या होता है इसमें, एक बंदे ने बोला स्टार्टिंग में, ये लाइक अपार्ट फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी से अपार्ट है, लाइक बता रहा हूँ क्या बोला उसने, उसका नाम था एडविन हबल, एडविन हबल इन 1920 कहते हैं ये भाई साहब कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। एडविन हबल एक साइंटिस्ट था, एडविन हबल, ये भाई साहब कहते हैं हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा यूनिवर्स जो हमारे आपस में यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी जो गैलेक्सी हैं वो दूर दूर जाती जा रही हैं, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वो और भी दूर सेपरेट होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई बैलून है, अगर मैं बैलून लेता हूँ उस पर एक डॉट लगाता हूँ और उसको फुलाता हूँ, ठीक है, जब फुलाऊंगा तो क्या होगा, वो डॉट्स दूर दूर हो जाएंगी, है ना, बैलून के ऊपर। तो ऐसे ही एग्जाम्पल दिया एडविन हबल ने कि जिस प्रकार से डॉट दूर दूर होती गई विद टाइम हमारी गैलेक्सीज, वैसे हमारी कौन सी मिल्की वे गैलेक्सी, तो देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स जो कि धीरे धीरे अपार्ट बहुत दूर दूर चली जाती जा रही है, फाइन। तो ये कहानी बोली किसने, एडविन हबल ने। लेकिन इसने जो पॉइंट दिया लोगों ने एक्सेप्ट तो करा, लेकिन बोला इन्होंने कि इट वॉज पार्शली करेक्ट, वाई, बैलून एग्जाम्पल गिवन बाय एडविन हबल वॉज पार्शली करेक्ट, वाई, बिकॉज जब बैलून, दिस इज बैलून राइट, जब उसने फुलाया, जब फुलाया तो ये तो दूर दूर जा रहे थे पॉइंट्स, राइट, जो उसने बोला गैलेक्सीज है, दिख रहा है सबको, लेकिन जब फुला रहा था तो ये आपस में भी चौड़े हो रहे थे, है ना, एक्सपेंड हो रहे होंगे, हाँ है ना, अरे जब बैलून पे लगाएंगे तो चीज चौड़ी नहीं होगी अपने आप, तो ऐसा थोड़ी हो रहा है, अर्थ क्या चौड़ी होती जा रही है क्या, तो ये पार्शली करेक्ट बोला गया, पूरा करेक्ट नहीं, अर्थ थोड़ी चौड़ी हो रही है, अर्थ थोड़ी एक्सपेंड हो रही है ना। तो दिस वॉज द केस कि गैलेक्सीज खुद में एक्सपेंड नहीं हो रही है, बाकी गैलेक्सीज दूर दूर जाती जा रही है, दैट्स वाई दिस एग्जाम्पल वॉज पार्शली करेक्ट, नॉट फुली करेक्ट, समझाया क्यों पार्शली करेक्ट है,
ऐसा एडविन हबल की थ्योरी थी। अब आए जॉर्ज लमाइटर, ये कहते हैं इन्होंने बहुत क्या कैसे जा रही है दूर दूर, इट इज लाइक विद टाइम अपने आप दूर दूर जा रही है। इसका लाइक फोर्स फोर्स नहीं बताया इन्होंने कि लाइक क्या क्या फोर्स है क्या है। तो कोई ग्रेविटी को तो फोर्स लगेगी नहीं, ग्रेविटी क्यों नहीं लगेगी सर, वहां थोड़ी होगी, स्पेस में ग्रेविटी है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, अगर स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो अर्थ घूमती अर्थ के अराउंड सब हो तो स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या होती है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जी कैपिटल एम छोटा एम अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी भी है, दो प्लैनेट लाइक ग्रेविटी फोर्स पता कहाँ लगती है, किसी भी दो बॉडी के बीच में, कोई भी चाहे लाइक तुम दोनों के बीच में ग्रेविटी लग रही है, तुम दोनों के बीच में ग्रेविटी लग रही है, एनी टू बॉडी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ धरती में ही नहीं होती है, एनी बॉडी। जितना ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है उतनी कम होती जाती है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा कैपिटल जी राइट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये बदलता है और ये बदलते हैं, दो बॉडी है ना, यही कहानी है। तो ग्रेविटी है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक, दैट्स व्हाई आवर दिस वन आवर अर्थ इज रोटेटिंग इन एग्जैक्ट सेम ऑर्बिट्स, अदरवाइज ये लोग क्या हो जाते, कोलाइड हो जाते हैं, है ना, ग्रेविटी नहीं होती तो, या फिर कहीं और ही चले जाते, बिकॉज ऑफ सम ग्रेविटेशनल लाइक लेस अट्रैक्शन दे आर गोइंग अवे। तो ऐसा इन्होंने ऐसा मान के चला कि विद टाइम ये हमारी जो गैलेक्सी एक्सपेंड होती जा रही है, गैलेक्सी मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, गैलेक्सीज दूर दूर जाती जा रही हैं, ऐसा उन्होंने बोला एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी में बाय बैलून एग्जांपल, लेकिन दैट वाज पार्शियली करेक्ट ओनली। ओके, अब आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने एक हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस है लाइक नॉट प्रूव्ड, नोबडी हैव बीन टू लाइक 13.7 बिलियन अगो, कौन गया होगा, जिसने दिया उसको खुद नहीं पता है, बट एक मान के चला, बोला टेस्टिंग जो अभी करी है हाइपोथेसिस। तो बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी में क्या होती है जो प्रूव नहीं होती है, समझ रहे हो, थ्योरी थ्योरी समझ रहे हो, थ्योरीज एक थ्योरम होता है वो प्रूव ही होता है, ये थ्योरी है बस मान के चला, थ्योरी लाइक जब तक एक्सेप्टेबल है जब तक उसको कोई काटा नहीं आ रहा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, समझ आ रही, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, अदरवाइज वो फिर सबको एक्सेप्टेबल हो जाती है धीरे धीरे। ओके, तो जैसे आपका बिग बैंग थ्योरी में आया, जॉर्ज लेमाइटर कहते हैं कि लाइक बहुत सालों पहले जब कोई भी नहीं था, बहुत सालों पहले जब कोई भी नहीं था, देयर वाज अ वेरी लाइक इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट वर्ड यूज करा इस बंदे ने, इनफाइनाइटली स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था, बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, एटम से भी छोटा, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल, सो इनफाइनाइट वर्ड यूज कर दिया, और वो इतना छोटा था, उसकी वॉल्यूम इनफाइनाइटली स्मॉल थी, उसकी वॉल्यूम क्या थी, इनफाइनेटली स्मॉल, वॉल्यूम बहुत कम है यानी छोटा है, उसकी साइज छोटा है राइट, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, वॉल्यूम कम है सबसे ज्यादा, मास ज्यादा यानी भारी होगा बहुत ज्यादा, बहुत छोटी चीज और बहुत ही भारी, कमाल की बात, और बहुत ही ज्यादा उसका मास, यहां से पता लग गया, और बहुत ही ज्यादा उसका टेम्परेचर था, इनफाइनाइट टेम्परेचर, यू कैन नॉट थिंक ऑफ लाइक इनफाइनाइट हायर टेम्परेचर, और इनफाइनाइट उसमें प्रेशर भी था, प्रेशर भी तगड़ा पड़ रहा था, उसको कोई ऐसे कोई प्रेस कर रहा हो मस्त तरीके से, तो इस केस में किसी को भी ये आइडल कंडीशन नहीं है, उसको लाइक वो हैंडल कर पाए ये सारी चीजें, कोई छोटी चीज पे कितना प्रेशर डाल दोगे, फूट जाएगी वो तो राइट, तो वो हैंडल नहीं कर पाई ये छोटी सी चीज, फाइनली व्हाट हैपन, अ बिग बैंग हैपन, अ बिग एक्सप्लोजन हैपन इन दैट टाइनी बॉडी, समझाए क्यों हुआ बिग बैंग, बिकॉज ऑफ दैट साइज और उसके ऊपर जो कंडीशन थी, ऐसा इसने कहानी बनाई जॉर्ज लेमाइटर ने, ठीक है। तो जब ऐसा मामला था, एक्सप्लोजन हो गया भाई, समझ आ रही है, फाइनली अ एक्सप्लोजन हैपन्ड, जिसे कहा बिग बैंग एक्सप्लोजन हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड देन, जब ये एक्सप्लोजन हुआ फिर धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हुआ, है ना, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, एंड फाइनली All the bodies made. Finally, all the bodies made. किस ऑर्डर में बनी, देखो भाई आपका ये पहले बिग बैंग हुआ, फिर बने स्टार्स, सबसे पहले क्या बने, स्टार्स, फिर बने प्लैनेट्स, ठीक है, फिर बना मून, और फिर आई लाइफ इंडिया पे, मतलब इंडिया मतलब अर्थ पे लाइफ। तो ये क्रोनोलॉजी थी, बिग बी फॉर बिग बैंग हैपन्ड, धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार बनने की कहानी सेम टू सेम यही थी,
बोला जब ये ठंडे होते रहे, फाइनली गैस पार्टिकल केम टुगेदर, जहां पे फ्यूजन हुआ वहां पे स्टार बन गए, ठीक है। अराउंड 5 to 6 billion ईयर एगो स्टार्स कब बने, जैसे 13.7 billion एगो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता रहा थोड़ा कम हुआ आफ्टर सम ईयर्स, तो 5 to 6 billion एगो फ्रॉम प्रेजेंट आपके स्टार्स बने, ठीक है। सन इज ऑल्सो स्टार, यानी सन भी इसी एरिया में बना होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्स के आसपास हैवियर पार्टिकल सेटल होने लग गए बाहर की तरफ, ठीक रहे। सेम कहानी यहां पर रिपीट होगी, बाहर ये आपके प्लैनेट इकट्ठे होने शुरू हो गए, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, प्लैनेट बनने शुरू हुआ। प्लैनेट मतलब अर्थ, अर्थ यानी कि 4.6 बिलियन ईयर अगो, समझाया। अभी प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, इतना समझाया बिग बैंग के बारे में, प्लैनेट इंपॉर्टेंट है बात करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिग बैंग थ्योरी को इसको हल्का बना लो, इतना बना लो, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को यहां तक बना लो, और ये वाला डायग्राम बना लिया, बना लो इसको। प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, प्लैनेट में लाइक इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट। भैया जब आप कह रहे हो कि वो टाइम इज अ पार्टिकल है, उसका इनफाइनाइट मास है, डेंसिटी बहुत बड़ी है, तो फिर वॉल्यूम कैसे छोटी रहेगी उसकी? ये वॉल्यूम दिख रही है, डेंसिटी कब बड़ी होगी, जब उसकी वॉल्यूम छोटी होगी, समझ आ रही है फॉर्मूला? ये होता ना कि नहीं होता, डेंसिटी कब होगी किसी चीज की बड़ी, जब उसका मास बड़ा होगा ना कि वॉल्यूम। तो ऑब्वियस जब डेंसिटी बड़ी है, मास उससे भी बड़ा है, तो वॉल्यूम सबसे छोटी रहेगी अपने आप। ये कहानी ऐसा थ्योरी में कंसिडर करा उसने कि जब कोई भी नहीं था तब ऐसी एक बॉडी थी, ऐसी थ्योरी बनाई। ये बना लिया ना, मिटा दो इसको। कितने प्लैनेट है मनीष यादव हमारे, मतलब इसमें अर्थ क्या बोलते हैं उसको, सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट। नाम बताओ स्टार्टिंग से। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो क्यों नहीं है? प्लूटो कंसीडर नहीं करते ऑर्बिटर। वेरी गुड, सिर्फ यही प्लैनेट है प्लूटो या फिर और भी हैं? इसे क्या बोलेंगे आप, प्लूटो क्या बोलेंगे आप? ऐसे बहुत सारे डार्क। वेरी गुड, ड्वार्फ प्लैनेट क्या बोलेंगे? एक्चुअल में प्लूटो पहले प्लैनेट था, फिर इनकी नई डेफिनेशन के हिसाब से प्लूटो का साइज फिट नहीं हो पाया, बोला प्लूटो थोड़ा सा इसमें ये चीज कंडीशन नहीं, इतना बिग इनफ नहीं है, फिर कुछ उसमें वो चीज नहीं जो भी उनकी डेफिनेशन थी, नई डेफिनेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठ पाया, बहुत टाइम लेता था, ठीक है, काफी दूर था, तो उसको बोला प्लैनेट जैसा है लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट है। ऐसा नहीं प्लूटो गायब हो गया, प्लूटो है, बट प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोला, बोला कि नॉट लाइक फॉल्स प्लैनेट, नॉट एग्जैक्ट प्लैनेट, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाला गया। तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट है ड्वार्फ में, लाइक ये इंपॉर्टेंट है, लाइक देख तो प्लूटो ही हो गया आपका, ठीक है, एक है एरिस, ERIS, एरिस, सेरिस, हुमैया, मेक, ये है ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है भाई, लिख लो इनको। ये है आपका फार्देस्ट फ्रॉम सन, सबसे दूर ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, ये फार्देस्ट फ्रॉम सन, ठीक है, और सेरिस इसका पार्ट है, सेरिस आपका है एस्ट्रॉइड बेल्ट का पार्ट, प्लूटो, एरिस, सेरिस, सुमैया, मेकमेक, पांच प्लैनेट है, ठीक है भाई, आपके जो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट मेक मेक, हाँ मेक मेक, MAKE, मेक मेक, ठीक है, वही है, वही है, बनाना बनाना, ठीक है। आपके क्या नाम बता रहे तुमने, क्या बोला पहले, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, आगे सर्व्ड अस नट्स, ठीक है, तो ये इसके और इसके बीच में ना एस्ट्रॉइड बेल्ट, मार्स एंड जुपिटर, ये तो पता ही होगा, लिख लेना फिर भी अगर ना पता हो तो। ये चार टाइप, दो कैटेगरी है बेसिकली प्लैनेट की, इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट। इनर क्यों, है ना, सिंपल, बेल्ट के अंदर है, इनर प्लैनेट, और ये आउटर प्लैनेट, ये दूर है सन के, बहुत दूर है, इन्हें अर्थ लाइक प्लैनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ लाइक प्लैनेट,
क्यों? ये रॉक्स से ज्यादा बने हुए हैं, रॉकी मटेरियल है इनके पास, ठीक है, पथरीला रॉकी मटेरियल है। और ये वाले प्लैनेट कैसे हैं? जोवियन प्लैनेट, जुपिटर लाइक, जोवियन प्लैनेट कहते हैं इनको, ये चारों को जोवियन प्लैनेट्स, क्योंकि ये बड़े हैं साइज में और गैसेस ज्यादा हैं इनमें, गैसेस पार्टिकल्स ज्यादा हैं। हीलियम, हीलियम का एटमॉस्फेयर बहुत है इनके पास, हाइड्रोजन हीलियम बहुत है इनके पास, ठीक है, इनके पास गैसेस पार्टिकल कम है। ओके, बता दिया, ये जनरली स्मॉल है, दीज आर स्मॉल, दीज आर लार्ज, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये वाले रॉकी क्यों बने और वो वाले आपके क्या कहते हैं उधर वाले गैसेस क्यों रह गए? इसका रीजन बड़ा प्यारा दिया हुआ है। क्या हुआ था जब ये आपके प्लैनेट्स बने थे? ओके, ये है सन सबसे बड़ा, ओके, ये स्टार्टिंग के चार एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है भाई, बाकी के चार, समझ आ गई, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून। तो हुआ क्या, सन के पास है ये, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? है ना, इन लोगों का ज्यादा होगा जो सन के पास है, तो टेम्परेचर इनका ज्यादा था, तो इनके पास एटमॉस्फेयर में गैसेस काफी थी, समझा गई, गैसेस काफी थी, गैसेस इनके पास भी थी, लेकिन इनमें टेम्परेचर की वजह से नहीं थी, इनमें थी बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग की गैसेस थी, था आपका बिग बैंग एक्सप्लोशन हुआ, सब गैसी पार्टिकल था। अब सीन क्या हुआ, सन के पास चलती हैं सोलर विंड्स, क्या चलती है? सोलर विंड्स। तो क्योंकि ये सन के पास थे, सोलर विंड्स इनकी गैसेस पार्टिकल को उड़ा के ले गई, तो जो जो बस पथरीला पार्ट था वो मतलब कंपैरेटिवली की बात कर रहे हैं, ठीक, कंपेयर कर रहे हैं बस, ऐसा नहीं कि मतलब कि सबकी एक बराबर उड़ा के ले गई, बट एक बता रहा हूं, क्योंकि ये सन के पास थे तो सोलर विंड्स जो चली यहां पे वो इनर प्लैनेट्स की गैस को उड़ा के ले गई, तो बचा क्या, पथरीला पथरीला पार्ट, रॉकी स्ट्रक्चर बच गया इनके पास। ये कंपैरेटिवली ज्यादा दूर थे सन से, तो इनकी विंड्स को सोलर विंड, इनके गैसेस को सोलर विंड उड़ा नहीं पाई। पहला रीजन तो ये, क्योंकि ये गैसेस प्लैनेट क्यों है। दूसरा रीजन क्या है, ये जनरली साइज में स्मॉल है, तो मैंने अभी ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बताया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब ये जो इनका मास तो कम ही है ना, ये जो आपके ये है इनके मास कम है, तो मास कम है तो जो पार्टिकल होगा उसकी और इसकी फोर्स कम होगी, क्योंकि मास कम है ना दोनों का, इसका और ये पार्टिकल्स का मास, ये प्लैनेट का मास, तो ये होल्ड नहीं कर पा रहे थे गैस पार्टिकल को, और इसका फायदा किसने उठा लिया, सोलर विंड्स ने। इनका तो मास गजब है, एकदम बड़े बड़े प्लैनेट साइज में, तो मास ज्यादा था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा लगा, तो आपके गैसेस पार्टिकल वहीं पे रहे। तो ये रीजन है इनके गैसेस होने का और इनके रॉक स्ट्रक्चर होने का, समझ आया इतना सा। तभी अर्थ का वो जो हीलियम हाइड्रोजन सब निकल गया, तभी ऑक्सीजन क्यों आई बताएंगे इसको, अभी आगे अर्थ में ही लाइफ क्यों है ये भी बताएंगे, ठीक है। इतना समझ आया इनर आउटर प्लैनेट्स का, लिख लो इसको फटाक से हल्का फुल्का, कि इन ऐसे यही बना लो डायरेक्ट, इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स, चारणा में इधर चारणा में इधर, लिख लिया इनर आउटर, इसमें लिख लिया, ये अर्थ लाइक प्लैनेट कहते हैं इनको, और ये जोवियन प्लैनेट्स और गैस जायंट प्लैनेट, गैस जायंट प्लैनेट। हाँ सुधीर रीड करो तुम, पहला रीजन रीड करो। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म इन द क्लोज डेंसिटी ऑफ द पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। समझ में आया, यहाँ पे गैसेस इतनी गर्म थी कि वो सॉलिड पार्टिकल ठीक से प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो जो कन्वर्ट हो पाई वो रह गया, और जो नहीं हुआ उसको उड़ा के ले गए सोलर विंड्स। सेकंड पार्ट पढ़ो, ये खत्म नहीं हो गया थोड़ा समझ। हाँ बताओ, पढ़ दो यार। The solar wind was most intense nearer the sun, so it blew off lot of gases and dust from the terrestrial planet.
द सोलर विंड्स वर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम जुपिटर प्लैनेट्स. ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स में सोलर विंड्स नहीं थी इतनी इंटेंस, ज्यादा वो इतनी खतरनाक नहीं थी, तो वहां पे गैस पार्टिकल्स रह गए. थर्ड, जुपिटर लाइक जुपिटर जैसे, ये वाले अर्थ लाइक, ये जुपिटर लाइक. ओके, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस. ग्रेविटी समझाया, छोटे हैं तो ग्रेविटी छोटी होगी. तो भैया जैसे जुपिटर का बहुत बड़ा होता होगा, बहुत बड़ा होता जा रहा होगा, ऐसे तो कि ग्रेविटी बड़ी है, गैसेस भी आ रही हैं, बड़ा होता जा रहा है. गैसेस जो थी अब उसके पास उतनी सी हैं, अब गैसेस कहां से आएंगी, एक्सपेंड आपका प्लैनेट एक्सपेंड नहीं हो रहा है, गैलेक्सीज खुद में एक्सपेंड नहीं हो रही है, बट गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं. समझ आ रही है ये कहानी. वो जो पहले का इन्होंने मामला बताया वो है कि अब तक ये चल रहा है. ओके, अर्थ का चला गया वाला एटमोसफेयर, अर्थ में गैसेस कहां से आ रही है, अर्थ में बिकॉज ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस. ठीक है, हमारा एटमोसफेयर वाला मामला अलग है, उसका अलग है. उसका एटमोसफेयर वही पहले वाला ही है, हमारा वाला चेंज हो चुका है. उसका एटमोसफेयर अभी भी हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है, सल्फर सल्फर ऐसे प्रॉपर तरीके से वहाँ पे. हमारे यहाँ पे चेंज हो गया एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ दिस दीज थ्री रीजंस, वहाँ पे मामला वही है. ठीक है, तो ये कहानी है. अब आता है भाई अर्थ के बारे में, कि अर्थ में ऐसा क्या हुआ जो अर्थ में लाइफ आ गई. लेकिन थोड़ा इनके प्लैनेट्स के बारे में लिख लेते हैं, कि लिख लो थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में, कि सैटर्न, लिखो सैटर्न हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. क्वेश्चन आया था इस बार, सैटर्न प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम. ओके, आगे भी करवा दूंगा इस चीज को मैं. अर्थ इज द मोस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, अर्थ की. सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, जुपिटर. सिंपल लिख लो. व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6400. वेरी गुड, 6400 किलोमीटर, राइट. लेकिन एग्जैक्ट है 6378.137 किलोमीटर. कभी अगर क्वेश्चन आएगा ना, इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, कि कभी कभी कुछ भी आता है तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, लाइक एग्जैक्ट जिसे कहते हैं जुपिटर है, ये अर्थ का है, अर्थ का रेडियस 6378.137 किलोमीटर, इट्स द रेडियस ऑफ अर्थ. इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटर वाली. ठीक है, पोलर की थोड़ी छोटी होगी, ऑब्वियसली बात है. अब आता है कि भाई एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ में ऐसा क्या हुआ. देखो अर्थ में ना क्या क्या, आपका अर्थ में आपका लिथोस्फेयर यानी लैंड एरिया, है ना, एटमॉस्फेयर, ओके. इसी में ही बता दूंगा कि पानी कैसा आया, हाइड्रोस्फेयर वगैरह ये सब. अभी इन दोनों को देख लो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना और अर्थ का लिथोस्फेयर कैसे बना. अर्थ मैंने बताया लाइक अदर प्लैनेट्स मेड अप आफ्टर 4.6 बिलियन ईयर एगो. लिख लो इसको, अर्थ लाइक अदर प्लैनेट मेड अप आफ्टर 4.6 बिलियन ईयर एगो. दिख रहा है, या मार्कर चेंज करूं, हल्का फुल्का, है ना, डीगैसिंग एंड वही फोटोसिंथेसिस वगैरह. देखो क्या हुआ,
अर्थ फॉर्म्ड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अगो? 4.6 बिलियन ईयर एगो. ठीक है भाई. लिथोस्फेयर इज, लिथोस्फेयर क्या है? लैंड एरिया. जनरली एक छोटा सा वर्ड लैंड एरिया. लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ बेसिकली, लिख लो, क्रस्ट एंड अपर मेंटल. क्रस्ट एंड अपर मेंटल. कोई बोले लिथोस्फेयर मतलब क्या है? क्रस्ट एंड अपर मेंटल. अगले चैप्टर में इसको और भी अच्छे डील करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो लिथोस्फेयर क्या होता है. देख लो इधर फटाक से. अर्थ के अगर अंदर जाएंगे, इफ यू गो इनसाइड अर्थ, व्हाट यू विल हैव? क्रस्ट मेंटल. बिल्कुल. दिस इज क्रस्ट मेंटल कोर. समझ आ गई? तो अपर मेंटल और ऊपर वाले क्रस्ट को ये पूरा, दिस इज लिथोस्फेयर. समझ आ गई? लिथोस्फेयर कैसे बना? देखो जब अर्थ बन रही थी, डस्ट पार्टिकल्स आपस में मिल मिला के, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ मैटर्स मतलब चीजें मिल मिला के उन्होंने एक साथ आ गई. अब क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था उस टाइम पे स्टार्टिंग ऑफ दिस बिग बैंग, क्योंकि इनफाइनाइट टेम्परेचर था, कितना भी कम कर लो उतना ही आएगा. समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो समुद्र का पानी कम थोड़ी हो जाएगा, है ना? तो टेम्परेचर ज्यादा ही था स्टार्टिंग में, तो ये कहना चाह रहा हूँ. जब ज्यादा था तो स्टार्टिंग टेम्परेचर में क्या हुआ, उस टेम्परेचर के हिसाब से चीजें सेटल होने लग गई. ठीक है, जिसकी ज्यादा डेंसिटी थी वो नीचे आती गई, जिसकी कम डेंसिटी थी वो ऊपर रह गई. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, इन लेयर को और क्या कहते हैं? हरिवंश, सयाल, सीमा, नीफे, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकॉन, ये निकल एंड आयरन. ठीक है, तो ये अर्थ के इनसाइड में कोर की तरफ जाएंगे. ये सेंटर ऑफ अर्थ है, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ. अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे, यू विल हैव हैवियर एटम्स लाइक आयरन एंड निकल. बट अर्थ के क्रस्ट में, बिकॉज डिफरेंस इज अ प्रोसेस इन विच दे लाइक मटेरियल्स डिफरेंशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटीज. अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से आपके जो मैटर्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो अपने आप सेटल हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंसेशन, वही आपका जो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से. ठीक है भाई, तो लिथोस्फेयर में वो डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से क्या हो गया आपका, इस टाइप से आपका मामला बन गया. अर्थ का कोर मेंटल और लिथोस्फेयर इस टाइप से बन गया. समझाया लिथोस्फेयर कैसे बना? अर्थ गर्म थी, आपका ये मामला हुआ. तो ये नॉर्मल जो चीज़ ना, ये चीज़ ये कहीं ना कहीं हर वाले एरिया में भी होगी. हर जो स्टार्टिंग है आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, कि ऑब्वियस है सेम ही काम होना ही हो, लाइक कि वो भी उन्होंने भी यही काम करा होगा. लेकिन अर्थ क्यों मेजर पार्ट है? अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सन, वो इतना स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस है कि अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है. कोई सन के ज़्यादा पास है वो ज़्यादा हीट ले रहा है भाई, कोई सन के ज़्यादा दूर है उसको और भी दिक्कत. समझ आ रही है? तो अर्थ हैज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल. अब एटमॉस्फेयर कैसे बना? पहली वाली कहानी तो मैं पता ही, अभी बताई. स्टार्टिंग में क्या हुआ? प्राइमोर्डियल गैसेस, जो स्टार्टिंग में जो गैसेस थी वो निकल गई विद द हेल्प ऑफ सोलर विंड्स, है ना? सोलर विंड ने निकाली ना, सोलर विंड प्राइमोर्डियल गैसेस अर्थ की. सेकंड वो डीगैसिंग. जब यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा था, नीचे से नई नई गैसेस निकली, जब ये ठंडा हो रहा था, लाइक धीरे ठंडा हो रहा ना, लाइक 13.7 बिलियन ईयर को ये बिग बैंग हुआ. अभी टेम्परेचर नीचे से घटता गया जैसे जैसे कंडेंसेशन हुआ. समझ आ रही है? जैसे जैसे कंडेंसेशन हुआ यानी ठंडा मामला हुआ, तो नाइट्रोजन निकली नीचे से, CO2 वगैरह निकली, ये सब गैसेस निकलती गई. नाइट्रोजन, CO2, एनीथिंग, लाइक जो भी गैसेस हैं, S2, हाइड्रोजन, ये सब निकलती गई, निकल गई. अब सीन क्या हुआ? जब ये निकली, नीचे से गैसेस निकल रही हैं, ऊपर जाके मैंने बताया लैप्स रेट होता है, उस टाइम नहीं पता होगा लेकिन काम तो हो रहा होगा ना. ऊपर जाके क्या हुआ? एल्टीट्यूड पे मामला ठंडा होता गया. ठंडा हुआ तो इन्होंने बादल बनाना शुरू किया. समझाया? वाटर वेपर भी निकला. ओके, बादल बनाना शुरू किया. बादल बनाया तो क्या होगा? बारिश होगी. तो बारिश हो गई, नीचे क्या हो गया? हाइड्रोस्फेयर आ गया. जहां जहां पे डिप्रेशंस थी ओशंस बन गए. समझा रही है? जहां जहां गड्ढे थे बड़े बड़े, वहां पे ओशंस बन गए. ओशंस बन गए तो ओशन आर वेल एब्जॉर्बर ऑफ CO2, तो उन्होंने CO2 एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी. CO2 ओशंस ने एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी. और जब यहां पे पानी भी आ गया, CO2 भी इसने एब्जॉर्ब कर ली,
Finally, what happened? A life emerges. Blue green algae, bacteria आया और ये लोग करते हैं photosynthesis. Photosynthesis में क्या absorb होता है? CO2. CO2 absorb करी और निकाली क्या? O2. Finally, O2 हमारे atmosphere में आ गई. ऐसे करते करते लाइफ और भी आगे बढ़ी एंड फाइनली इमर्ज द होमो सेपियंस लाइक मैन, मॉडर्न मैन. तो इस टाइप से काम हुआ. डीगैसिंग मतलब जो ये वाली गैसेस निकल रही है, जब ये ठंडा हो रहा था तो इसमें से गैस निकल रही थी. हमारे अर्थ में अगर एटमॉस्फेयर नॉर्मल हल्का हल्का पता होगा कितना, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन. पता है ये बात? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर आर्गन, फिर CO2. याद रखना इसको, क्रोनोलॉजी को आगे करवा दूंगा. वैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78% अराउंड, ये 21%, फिर ये समथिंग वेर 0.0 में शुरू आती है, 0. समथिंग ऐसे ऐसे करके. तो भैया ये पानी मतलब पहले भी वही था? पानी तब आया जब CO2 और ये बाकी गैसेस ऊपर एक कंडेंस हो गई. समझ आ रही है? पानी कैसे बनेगा CO2? ये गैसेस कंडेंस होगी ना ऊपर, ये जो वाटर वेपर था, देखो ये ना ये मोल्टन फॉर्म है, नीचे जब जाओगे मोल्टन फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म होगी कहीं ना कहीं. जैसे सॉइल है, सॉइल में तो पानी होगा ना, बताया था कल ही, तो वो भाप बन गया ऊपर. समझ आ रही है? वेपर से, वेपर इन द सेंस गैसेस फॉर्म में था, ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं था. व्हेन दिस वेपर्स वेंट अप इट फॉर्म्ड इनटू क्लाउड्स. क्लाउड्स किसी के भी बन सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन हीलियम के क्लाउड्स भी बन सकते हैं, ठीक है, नॉट ओनली H2 ओनली. तो ये जब बना तो फाइनली नीचे ये किसके फॉर्म में आया? आपका H2O के फॉर्म में आ गया. हाइड्रोजन O2 मिक्स हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन CO2 कुछ भी रिएक्शन हुआ होगा, कार्बन अलग, दिस वन. एंड फाइनली दीज ओशंस फॉर्म विद दीज रेनिंग. रेनिंग हुई ऐसे, रेनिंग बता रहा हूँ कैसे हुई थी. गैसेस से ऊपर गई, कंडेंस हुई, क्लाउड्स बने तो पानी आया तो उन्होंने CO2 एब्जॉर्ब कर ली. CO2 एब्जॉर्ब करी तो फाइनली पानी में, मैंने बताया सबसे पहले लाइफ कहाँ हुई थी? ओशन में. ओशंस में लाइफ आई. क्या है? ब्लू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, या फिर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं. फर्स्ट लाइफ वॉज बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. एंड दैट केम इन टू 3.8 बिलियन, ठीक है. पहली लाइफ कब आई थी? 3.8 बिलियन ईयर एगो. ये लाइफ है, लाइफ की डेट. ओके, ये कहानी हुई. एक बुक खोलो, बुक में टेबल दी होगी, ओपन दिस टेबल. दिख रही है टेबल? दिख रही है? ऊपर देखो क्रोनोलॉजी है. एओन सबसे ऊपर, एओन एरा पीरियड एपोएज सबसे बड़ा. अगर मैं देखूं इसको ऐसे कंसीडर करके देखो, एओन मतलब होता है ये, दिस इज एओन, EONS एओन्स. एरा इसके अंदर होता है कि एक एओन में बहुत सारे एराज होते हैं. समझ आ रही है? ये पीरियड, एक एरा में बहुत सारे पीरियड होते हैं. एपो एज इस टाइप से मामला होता है, ठीक है. सबसे बड़ा टाइम पीरियड क्या है? एओन्स, एओन्स एरा पीरियड एपोएज. इसको बना लेना. ये क्रोनोलॉजी पूछता है कि सबसे बड़ा टाइम पीरियड वाला मामला कौन सा है? एओन है. लिथोस्फेयर में डिफरेंशिएशन हुई. समझ आया डिफरेंशिएशन क्या होता है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर मटेरियल सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज, हैवियर मेटल सेटल्ड बिलो एंड लाइटर मैटर्स अबव. ये कहानी, ठीक है. हल्का हल्का लिखवाना है इसमें, लिख लो. इवोल्यूशन ऑफ, फटाक से लिखो, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर में लिखो, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर इसमें लिखो, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर में. थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस किसमें हुआ था? लिथोस्फेयर में हुआ था. सिंपल सी बात. थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल, द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल
got separated into different layers. Got separated into different layers. Heavier metal, settled at the core of the earth. Heavier metal settled at the core of the earth, and lighter metal settled in the crustal part of the earth. Crust mein. Samjhaya? Crust mein. और फटाक से ये बना लो, देख लो इधर, क्रस्ट मेंटल कोर पता लग जाएगा. और लिथोस्फेयर क्या है? मैंने बताया लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ अपर मेंटल एंड क्रस्ट. वेरी गुड, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल. ठीक है, इट इज अराउंड 200 किलोमीटर, 10 से 200 किलोमीटर तक होता है इसकी रेंज अगर नीचे जाए तो. ठीक है, इंक पेन 10 से 200 किलोमीटर. अभी बढ़िया वाला डायग्राम बनाएंगे ये वाला क्रस्ट मेंटल कोर का, और भी अच्छे समझ आएगा. ये तो रफ डायग्राम है, ऐसे एकदम सग्रेड हो जाएगा. टेन टू 200 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक इज लिथोस्फेयर. समझा गई? एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर लिख लो, इसमें लिखो, कुछ लिखवा देता हूं इसमें. एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. देखो ये तो अर्थ बता रहा हूं, ठीक है, अर्थ बता रहा हूं, अर्थ में लाइफ कैसा है. तो प्लैनेट एक तरीके का, प्लैनेट के तुरंत बाद ना, मतलब प्लैनेट में अर्थ की बात करें, लाइक बाकी प्लैनेट्स की देख लेंगे. अर्थ में एक ना एक मेटियोर आगे टकराया था, समझ आ रही है? एक मेटियोर आगे टकराया और वो अर्थ का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के ले गया, समझ आ रही है? तो थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के ले गया, वो था हमारा मून. वो आज तक घूम रहा है अर्थ के साइड में. तो मून बाद में बनाया मैंने बताया, पहले क्या बना? बिग बैंग थ्योरी है ना, ऐसे ही था ना, ये बताना भूल गया था. तो मून ऐसे बना है आपका, अर्थ का ही पार्ट है, अर्थ की मिट्टी है वो. ओके, तो वहां तो पे लाइफ हो सकती है. अर्थ की मिट्टी लाइफ, उसका एरिया बदल गया ना, एक एरिया एरियन समझ लो, एक ऊपर का पार्ट ले गया है वो. लाइफ कैसे होगी? इतना पोर्शन ले गया है, इस सब का रोल है लाइफ पैदा होने में, इतने का रोल नहीं है. ठीक है, उसका डिस्टेंस बदल गया, काफी चीजें हैं, एक चीज नहीं है. अभी बताया तो इतनी सारी चीजें कैसे हुई, बिकॉज ऑफ दिस थिंग. रेसिडुअल हीट है, पानी बरसाया, प्रॉपर तरह सब कुछ हुआ, ये सब. और उसमें कोई लाइक कोई गैस ही नहीं थी, बस वो तो पत्थर वत्थर ले गया, पत्थर ही तो ले गया, गैस वैस थोड़ी है. मून पे कहा एटमोसफेयर, राइट? तो ये कहानी इसलिए क्यों होगी लाइक उसमें. इसे कहते हैं बिग स्प्लैट थ्योरी ऑफ मून. ठीक है, तो मैं इसको क्यों बता रहा था, मैं इसको इसलिए बता रहा था. इधर देखो, तो यहां पे तो गड्ढा हो गया ना एक तरीके से अर्थ में, वो गड्ढा है पैसिफिक ओशन. इतने बड़े ओशन हैं, कैसे कितना पानी संभाल रखा है. तो मेन जो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक. तो ये जो पैसिफिक ओशन है यहीं पे गड्ढा करके गया था, बाकी तो जगह थोड़ा थोड़ा आएगी. तो दिस इज द रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन. ओके, तो मैं ये बता रहा था आपको एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर के बारे में बता रहा था, इसलिए मैंने बताया. लिखो इसमें एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर में, सब थ्योरी है. नॉट सबके. मून क्या होता है? मून इज ए सैटेलाइट. ठीक है, जो भी आपके चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसे सैटेलाइट बोलते हैं. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, उसका नाम बोल दिया मून है भाई. ये पत्थर ही तो है, चमकता क्यों है? सन की वजह से, पास में से दिखता है. अगर प्लैनेट को सामने लाके खड़ा कर दूं वो भी दिख जाएंगे, दूर है नहीं दिख पाते, सिंपल सी बात. ओके, तो ये इसकी खुद की लाइट थोड़ी है, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती. ठीक है, स्टार्स की खुद की लाइट होती है, प्लैनेट रिफ्लेक्ट द लाइट जो आएगी. अब दूर है इसलिए दिखते नहीं है, टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा. इसको भी मून देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हो?
पास में दिख जाता है नॉर्मल। ओके लिखो इसमें एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, लिखो कि देर आर थ्री स्टेजेस, देर आर थ्री स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, द फर्स्ट स्टेज इज, द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। वही पहला वाला प्रीमॉर्डियल मतलब अर्लियर, लॉस ऑफ अर्लियर या प्रीमॉर्डियल प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, लॉस ऑफ प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर कैसे हुई, बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स, लिख लो बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स। इन सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ contributed to the evolution of atmosphere, है ना, उनसे atmosphere बना हमारा, background ले लो, by degassing में ना गैस निकाली नीचे से, तो by the process of degassing और water vapor कहां से आया। बिल्कुल सही question था तुम्हारा भी, ये तो था नॉर्मल जो गैसेस आई, साथ में क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। ठीक है, जब भी वॉल्केनो फटता है H2O निकलता है, आपका राख एशेस निकलती है, वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल ये सब निकलते हैं, ये जो मामला गया और ये जो गैस गई ऊपर जाके बादल बन गए, समझाया, लिख लो क्या बोला, डीगैसिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शंस ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। इन थर्ड स्टेज द लिविंग वर्ल्ड हेल्प इन फॉर्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्थ कब बनी, 4.6 बिलियन ईयर को, उसके 500 मिलियन ईयर बाद ओशन बन गए थे। ठीक है, यानी 4.1 लगा लेंगे। ठीक है, लिख लो अर्थ्स ओशन फॉर्म्ड आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। राइट, लाइफ के बारे में लिख लेते हैं आप कि फर्स्ट लाइफ इमर्ज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड इट फॉर्म्स बैक्टीरिया बनाया इसने इन ओशन, पानी में धीरे पहली लाइफ। ठीक है, कब बनी, अराउंड 3.8 बिलियन ईयर एगो। ये डायग्राम बना लो फटाक से, इंपॉर्टेंट है, एओन एरा पीरियड एपो एज बना लिया।
ये जो टेबल है आपकी दिख रही होगी, दोबारा बना देता हूँ, एन एरा पीरियड एपो एज। डायरेक्ट पूछता है कौन सा टाइम पीरियड बड़े, टाइम पीरियड्स हैं, ठीक है। देखो ई ओ एन एस एन सबसे ऊपर, देखो सबसे अच्छा एज, देखो एन सबसे ऊपर एन है, ई ओ एन एस हाँ एन एरा ई आर एरा पीरियड एपो ई पी ओ एच एज, ठीक है। ये था इस चैप्टर में आपकी कहानी। अब आता है इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नेम इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे पता लगा अर्थ के अंदर क्या है, धरती के नीचे कैसे जाएंगे, कोई आज तक तो गया नहीं। डज एनीबडी वेंट टू लाइक इनसाइड द अर्थ, नोबडी, है ना। सो देर आर सोर्सेज जहां से पता लगा, एक है डायरेक्ट यानी जो जो गया होगा मे बी डायरेक्ट सोर्स, और एक इनडायरेक्ट सोर्स क्योंकि लोग नहीं गए लेकिन हमने कुछ चीजें और भेजी जिससे पता लगा कि शायद ऐसे हो सकता है ना। इनडायरेक्ट सोर्स, तो डायरेक्ट सोर्स क्या था, डायरेक्ट सोर्स दो ही हैं कैसे लाइक जो अंदर तक गया है। पहला लाइक अंदर तक नहीं, सेंटर तक नहीं गया अर्थ के, लाइक अर्थ का रेडियस क्या है 6378.137 किलोमीटर, याद कर लो इसको, ठीक है। तो पहला है माइनिंग, है ना, जहां पे माइनिंग होती है, बेशक कम लेवल तक होती है लेकिन खुदाई तो करते हैं लोग। ज्यादा लेवल तक क्यों नहीं होती, जब लोग माइनिंग करते हैं वो नीचे जाते हैं, तो नीचे जाते थे उन्हें पता लगा कि जैसे जो नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और डेंसिटी मटेरियल की बढ़ रही है। आपकी साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन से अप टू 4 किलोमीटर डीप, कितनी, वहां पे उन्होंने 4 किलोमीटर नीचे गए, उनको पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, ठीक है। माइनिंग, माइनिंग में और क्या आता है, ओशन डीप सी ड्रिलिंग, है ना, डीप सी ड्रिलिंग। रशिया में हाईएस्ट है करीब 11 से 12 किलोमीटर तक की, वहां पे जो मिट्टी आई नीचे से डायरेक्ट, मतलब जो एकदम एग्जैक्ट मिट्टी आई नीचे से, पता लगा नीचे की मिट्टी ज्यादा डेंसिटी वाली है और ज्यादा टेम्परेचर है, गर्म है, समझाया इतना सा। ये पहला डायरेक्ट सोर्स। दूसरा डायरेक्ट सोर्स वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनो फटता है कहां से मटेरियल निकालता है, नीचे से, समझ रहे डायरेक्ट का मतलब क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन, ये आपका डायरेक्ट सोर्स है कि आपका नीचे से उसने मिट्टी निकाली और सीधा छोड़ी। तो ये दो सोर्स हैं आपके डायरेक्ट वाले कि जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, समझाया। पहला माइनिंग और दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन, समझा रहे इतना सा। इनडायरेक्ट में बहुत सारे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि लाइक हमने वेव्स भेज के देखी, हमने मैग्नेटिक वेव्स भेज के देखी, हमने स्कैन वगैरह वगैरह जो भी वेव्स वगैरह भेज के देखी, सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक आता है ना, सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक आया, हमें पता लगा अर्थ के नीचे यानी कुछ गड़बड़ भी है जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलीज हो रही है, एनर्जी है ना। इससे हमने ये पता लगा टेम्परेचर डेंसिटी ज्यादा है, और कैसे पता लगाया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हमने मैग्नेटिक वेव्स भेजी नीचे, हमें पता लगा कि मैग्नेटिज्म चेंज हो रहा है एज वी गो फ्रॉम अपर टू लोअर प्लेस, तो हमें पता लगाया कि नीचे हैवियर एटम्स है, हैवियर मटेरियल्स हैं क्योंकि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
ऊपर वाले एलिमेंट से अलग है। सिंपल सी बात। हमने और क्या पता लगाया, हमारे यहां पे मेटियोर टकराए, क्या टकराए, मेटियोर। अब मैंने बताया था सारे प्लैनेट कहने बिग बैंग थ्योरी से बने है ना, तो मेटियोर की मिट्टी पकड़ी। अब मेटियोर की मिट्टी क्यों पकड़ी, क्योंकि ये भी ऑब्वियस है जिस प्रोसेस से अर्थ होना ये भी उससे बना होगा, लेकिन ये अर्थ की मिट्टी नहीं है ना, इसलिए इनडायरेक्ट सोर्स है। समझ आया, बेशक मिलेगा अर्थ के ऊपर लेकिन इनडायरेक्ट, क्यों, क्योंकि अर्थ का पार्ट नहीं है, मेटियोर इज इनडायरेक्ट सोर्स, राइट। ग्रेविटी, ग्रेविटी यही फॉर्मूला से पता लगाई हमने है ना, इनडायरेक्ट सोर्स फॉर्मूला है हमारे पास, हमने कॉन्स्टेंट बना लिया एक m1 m2 डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। हमने देखा जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं अलग अलग मटेरियल की अलग अलग ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो रही है अलग अलग एरिया में, राइट। तो ये इनडायरेक्ट सोर्स है, लाइक जो डायरेक्टली नहीं मिलते लेकिन हम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन सम अदर थिंग्स वी कैन इजिली एबल टू फाइंड थिंग्स कि अर्थ के इनसाइड क्या होगा। समझ आ रही है, तो ये कहानी थी। अब इसमें आता है सबसे बड़ी वेव, सेस्मिक वेव, यानी अर्थक्वेक के बारे में पहले बात करते हैं, फिर एक डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद उसको डील करेंगे, या पहले अर्थ का इंटीरियर बना दूं, इंटीरियर बना देते हैं पहले है ना, डायग्राम बनाते हैं, प्यारा प्यारा इसको लिख लो, ये आता है क्वेश्चन डायरेक्ट, डायरेक्ट सोर्स कौन सा है, इनडायरेक्ट सोर्स कौन सा है, ठीक है। अब एक डायग्राम बना रहा हूं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, उसको बना लो, यानी क्रस्ट मेंटल कोर वाला चीज, राइट। देखो भाई, दिस इज मेंटल, MENTLE, क्या रे, EL, ठीक है, मेंटल। दिस इज कोर, CORE, एंड दिस इज क्रस्ट, CRUST। समझ आ रही है इतनी सी बात। ये ना लाइन है इनके बीच में, सबके बीच में, कि आपस में किस किस लाइन से सेपरेटेड है, ये क्वेश्चन आता है, जैसे गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहर डिस्कॉन्टिन्यूटी, ऐसे करके, ठीक है। तो आपका ये जो क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशन क्रस्ट है, राइट। कॉन्टिनेंट मतलब जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, ओशन में भी नीचे धरती है ना, तो वही वाला पार्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशन क्रस्ट किस से सेपरेटेड है, कॉन्राड, डिसकॉन्टिन्यूटी, ओके। और क्रस्ट और मेंटल किससे सेपरेटेड है, मोहो, डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। मेंटल या मेंटल में आ गया आप दो पार्ट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ऐसे ही आउटर कोर और इनर कोर, समझ आ गई। तो हमें सोर्सेस से पता लगा, उन्हीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, कि आउटर कोर कैसी है, लिक्विड है, और इनर कोर कैसी है, सॉलिड है, ठीक है भाई। तो जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है वो क्या सेपरेटेड है, रपीती, रपीती डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये मेंटल और कोर कैसे सेपरेटेड है, देख रहे हो, मेंटल एंड कोर गटनबर्ग, डिसकॉन्टिन्यूटी, ओके। इसको भी लाल से लिख देता हूं, कॉन्राड वाली को, ओके।
और ये वेरी गुड, कहाँ से देख रही हो, याद है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज लेमन, लेमन डिस्काउंट कब बनाए थे? ओके गुड यार गुड, ठीक है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है, याद करने का तरीका भी सिंपल है, या तो ऐसे कर लो को मो रे ग्यू ले, को मो रे ग्यू ले, ठीक है। CMS राबड़ी जी लाल, या फिर उल्टा CM को रिलायंस ने घटक लिया, आ गया। CM को रिलायंस ने, बताओ रिलायंस इतना पैसे वाला है, CM खा गया, ठीक है। CM को रिलायंस ने घटक लिया या फिर कोमो रेगुले, जैसा ठीक लगे बैठे, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी पूछता है। दिस इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है भाई। पहले वाले क्रस्ट जो बना हुआ है उसमें मेनली कौन से मेटल मिलेंगे? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इसलिए इसको सियाल भी बोलते हैं, सियाल लेयर। और मेंटल में सिलिकॉन एंड मैग्नीज, तो सीमा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सीमा, सियाल सीमा। और इसमें क्या बोलते हैं? निकल एंड आयरन, तो दिस इज मैग्नीज, तो एम एन होता है ना, हाँ तो एम ये लो, अच्छा सीमा, राइट राइट राइट, ये वैसे एम ए है, तुम सही हो। उसका जो होता ना मामला, मैग्नीज का जो साइन होता है वो एम एन ही होता है सर, इसमें इनके ना फर्स्ट अल्फाबेट एम ए लिया है, बस लास्ट वाले मेटल का वो उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैग्नीज ही है, ठीक है, मैग्नीज ही है, कोई ऐसे वो नहीं लिया है, मतलब कि ऐसे करके कोई क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सेंस बनाने के लिए ऐसे केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले और नीफे, समझा कि सियाल सीमा नीफे आर द लेयर्स, आर द मेटल और मटेरियल नेम्स जो कि फाउंड होंगे इन इन लेयर्स में, ये आता है। ये लाल लाल क्या है? दिस इज एस्थेनोस्फेयर, दिस इज एस्थेनोस्फेयर। मैंने बताया लिथोस्फेयर किससे बनता है? क्रस्ट एंड अपर मेंटल, दिख रहा है? लिथोस्फेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, लिथोस्फेयर मेड अप ऑफ क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, समझ आ गई? क्रस्ट एंड अपर मेंटल, लिथोस्फेयर बना लो इसको, ठीक है भाई। तो ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, समझाया? इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होती है? क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट इज द लेयर इन विच लाइटर आइटम्स जनरली फाउंड, दैट इज सियाल एंड सीमा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ओके। क्रस्ट दो पार्ट में बटा है, एक ओशन क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस बाउंड्री सेपरेटेड है? कॉन्ड्राइट डिसकॉन्टिन्यूटी से, फाइन। आपका क्रस्ट और मेंटल किस बाउंड्री सेपरेटेड है? मोर डिसकॉन्टिन्यूटी से। मेंटल दो पार्ट में, ये सॉलिड, ये ऊपर के सारे सॉलिड पार्ट है, ठीक है। इसमें एक लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर नाम की, जो कि सेमी सॉलिड नाम के उससे होता है, किससे? सेमी सॉलिड, जैसे अपना टूथपेस्ट देखा है वे ऐसे इस टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा हार्ड वे में, सेमी सॉलिड। दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल द वॉल्केनिक इरप्शन, जो भी वॉल्केनिक इरप्शन से मामला आता है नीचे से, वो एस्थेनोस्फेयर में से आता है, समझ आ रही है? यहां से आएगा जो भी निकलेगा, यहीं से आपका लावा वगैरह मैग्मा जो आ रहा है सब यहीं से आएगा, एस्थेनोस्फेयर से, सोर्स ऑफ ऑल द वॉल्केनिक इरप्शन, एस्थेनोस्फेयर। इसी के ऊपर आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स, तुमने पढ़ा होगा, हल्का हल्का सुना होगा, हमारी प्लेट्स, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं प्लेट्स पे हैं, ठीक है, जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। तो लिथोस्फेयर क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज ऑन द लिथोस्फेरिक प्लेट, यही रीजन है कि मैंने बताया सेमी सॉलिड है ना, दलदल टाइप, तो वो प्लेट मूव करती है, मूव करते हैं तो भूकंप आता है,
समझ आ रहा है भूकंप क्यों आ रहा है? रिएक्शन की वजह से तभी भूकंप आ रहा है। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ भूकंप। अभी बताएंगे और भी बताएंगे, आगे के लिए पता लगेगा कि ये कॉन्टिनेंट कभी एक साथ भी हुआ करते थे, प्लेट मूव कर गई। हिमालयन सिस्टम प्लेट मूवमेंट का उसने बताया था, प्लेट मूवमेंट की वजह से हिमालयन सिस्टम बना है। ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लिथोस्फेयर, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो कि आपके एटमॉस्फेयर। आपका मेंटल में सिलिकॉन मैग्नीशियम है जो कि सेपरेटेड है क्रस्ट से, मोर डिसकॉन्टिन्यूटी से। मेंटल खुद में दो पार्ट में बटा हुआ है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, विच इज सेपरेटेड बाय रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी। पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। एक बार आया था सियाल सेवा नीफे, इनको क्रोनोलॉजी के लिए लगा दो। एक बार आया ये क्रस्ट मेंटल कोर किससे सेपरेटेड, कौन से डिसकॉन्टिन्यू सेपरेटेड है, एक बार आया ये सारी आ गई। तो एक बार याद कर लो, सारी सॉल्व हो जाना, राइट? आउटर कोर लोगों ने जब आपकी सेज्मिक वेव्स भेजी, जब सेज्मिक वेव्स आई निकली भेजी गई, पता लगा कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। ओके, लिक्विड स्ट्रक्चर है, बेशक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है लेकिन लिक्विड, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये थोड़ा नीचे गया तो सॉलिड हुआ, कंपेरेटिवली हल्का डिफरेंस आया, तो पता लगा इनको इनर कोर इज सॉलिड फॉर्म, आउटर कोर इज लिक्विड फॉर्म। तो ये तीन लेयर होती हैं हमारी, अर्थ का इंटीरियर इज मेड अप ऑफ दीज थ्री लेयर्स, और ये खुद में ऐसे ऐसे सेपरेटेड है। समझ आया? अब अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं, अर्थक्वेक की क्या कहानी है। लोअर मेंटल क्या सॉलिड किस? सॉलिड, ये मेंटल इज ऑल सॉलिड, टोटल मेंटल सॉलिड। ठीक है, बस बीच में मेंटल के जो एस्थेनोस्फेयर है वो सेमी सॉलिड स्टेट में, जिसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स घूमती हैं। ओके, कल पूछूंगा मैं ये। हाँ भाई, क्या नाम है इसका? हर्ष हरिवंश। मुझे बताओ कि रोजवुड कौन से फॉरेस्ट में मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मुझे बताओ एंटोफागस्टा इज अ सिटी इन? चिले। क्या फेमस है वहाँ पे? कॉपर, कॉपर की खाने हैं वहाँ पे। ठीक है, सबसे कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? बिल्कुल, चिकमाटा। चिकमाटा इज कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बताओ मगेलन रिवर कहाँ पे? अर्थक्वेक क्यों आता है? देखो यार, क्या होता है अर्थक्वेक आने का कारण मेनली होता है एनर्जी रिलीज होने का। ठीक है, एनर्जी कहीं से रिलीज होती है? मेनली जो अर्थक्वेक हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो है आपका सेस्मिक, यानी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आता है। क्योंकि प्लेट के, मैंने बताया प्लेट्स हैं, सपोज ये दो प्लेट हैं, दो, देखो इधर ये दो प्लेट हैं, अब ये जॉइंट है तो यहाँ पे क्रैक होगा कहीं ना कहीं, तो क्रैक में से एनर्जी निकलती है, फॉल्ट लाइन जिन्हें कहते हैं, फॉल्ट लाइन में से एनर्जी निकलेगी तो वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। समझ आ रही है? जिस पॉइंट से एनर्जी निकलती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक रिलीज्ड। उस फोकस को और क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। पहली बार इधर देखो, जब पहली बार फोकस से जो वेव्स निकलती हैं और जब सरफेस, दिस इज सरफेस, समझा रहे हैं? सरफेस पे सेज्मिक वेव्स पहली बार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा? ये है ना इसका, ये लंबा है, ये छोटा है, दिख रहा है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जहां पे पहली बार आपकी फोकस से वेव निकली और जहां पे टकराई उसे एपिसेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये होता है मामला मेन, जहां पे ये होगा, जितना पास होगा वहां पे हड़कंप मचेगा। सुनामी इसके रिस्पेक्ट में आती है, फोकस तो नॉर्मल पॉइंट है जहां से निकल गया। ठीक है, सरफेस क्योंकि ये तो नीचे होगा ना, एस्थेनोस्फेयर लाइक नीचे की तरफ, लेकिन मामला एट द एंड सरफेस पे क्या होगा? एपिसेंटर। समझ आ रही है इतनी सी बात? तो एपिसेंटर के हिसाब से हम सुनामी वगैरह देखते हैं और अर्थक्वेक वगैरह देखते हैं। ये आता है क्वेश्चन की फोकस को क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। एपिसेंटर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस टू द वेव्स। अब एक और बात सुनो, ये अर्थ की बॉडी है ना, अर्थ की बॉडी है, तो सेज्मिक वेव दो टाइप की होती है। पहली टाइप क्या होती है सेज्मिक वेव की? बॉडी वेव। क्या कहते हैं? बॉडी वेव, जो अर्थ की बॉडी में से निकलती है, बॉडी के थ्रू जाती है, राइट? और दूसरी क्या होती है? सरफेस वेव, नाम ही दिख रहा है। तो ये जो बॉडी के थ्रू गई अर्थ के फोकस से होते हुए जो अर्थ की बॉडी से गई, दीज आर पी वेव और एस वेव, कोई भी हो सकती है, पी फॉर प्राइमरी एस फॉर सेकेंडरी।
समझाया? प्राइमरी को क्यों पी बोला गया? प्राइमरी मतलब ये वो वेव है, पी वेव। देखो पी वेव ऐसा टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव और अर्थक्वेक। समझाया इतनी सी बात? पी वेव को प्राइमरी इसलिए बोला गया क्योंकि ये सबसे पहले आके निकलती हैं। जब ये दोनों वेव सरफेस की तरफ गई तो सबसे पहले पहले देखो एक ग्राफ बना दिया मैंने, सबसे पहले कौन सी आ रही है? फिर सेकेंडरी। तो जब ये पहले जाती है तो इसे प्राइमरी बोला गया। सेकेंडरी वेव थोड़ा सा लेट आती है। डिफरेंस बता रहा हूँ पी वेव और एस वेव में। सिमिलैरिटी पता लगा? दोनों क्या है? बॉडी वेव। डिफरेंस सुनो, पी वेव आपकी पहले पहुंच जाती है, सेकेंडरी वेव थोड़ी लेट पहुंचती है। पी वेव साउंड वेव की तरह होती है। पहला डिफरेंस, पी वेव रीचेस फर्स्ट, है ना, रीचेस फर्स्ट टू द सरफेस। सेकेंड डिफरेंस, पी वेव आर लाइक साउंड वेव। मतलब इसके दो मतलब हैं। साउंड वेव, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, वैक्यूम में नहीं चलती साउंड। तो साउंड वेव की तरह इसको भी तीनों मीडियम चाहिए चलने, तीनों मीडियम से पास हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझा कितने सी बात? क्यों है ये साउंड वेव की तरह? क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से जा सकती है। समझाई? एस वेव क्या होती है भाई? एस वेव का उल्टा मामला होता है। यस, एस मतलब सेकेंडरी और एस से याद रखना सॉलिड, ओनली सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल से ही ट्रेवल होंगी। इससे हमें पता लगा कि एस वेव कोर से पास नहीं होती। क्या आउटर कोर लिक्विड है ना, तो पता लग गया हमें कि भाई एस वेव नहीं आई तो पक्का लिक्विड होगा यहां पे, पक्का कोई नहीं, या गैस भी हो सकता है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमने पता लगाया। इस टाइप से पता लगता है कि इनडायरेक्टली कैसे पता लगी, कोई गया थोड़ी है, वेव्स भेजी गई। तो ये कहानी क्या हुई? पी वेव लाइक साउंड वेव, एस वेव ओनली ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड मीडियम, ठीक है। तीसरी कहानी, साउंड वेव ही बोल दिया मैंने इसको। पी वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एनीबॉडी, बायो वाले सर, परपेंडिकुलर नहीं होती है। देखो जैसे डायरेक्शन ऐसी है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में वो कंप्रेसर और एयर फ्रैक्शन करता है। जैसे इसी तरफ जा रहा है तो इसी तरफ क्या करेगा? कंप्रेशन करेगा, रेयर फ्रैक्शन करेगा, कंप्रेशन करेगा, रेयर फ्रैक्शन, मतलब आसपास आएंगे पार्टिकल्स, दूर जाएंगे, आसपास आएंगे, दूर जाएंगे। साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करती है कि ये वाइब्रेट ऐसे ऐसे करेंगे, ये पार्टिकल्स हैं सपोज, पार्टिकल्स, समझ आ रही है? ऐसे टाइप से, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे, उसी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन यानी वाइब्रेट करेंगे, इन सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। इन्हें ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एस वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये आपके यस क्रस्ट एंड ट्रॉफ बनाते हैं, ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, इसका समझ आ रहा है? ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ये सेम डायरेक्शन वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये है मेन डिफरेंस पी वेव और एस वेव में। आ रही है बात समझ में? अब एक और चीज, जब ये पी वेव और एस वेव बॉडी के थ्रू जाती हैं, अब बॉडी क्या है? सॉलिड, तो कंप्रेशन अफेक्शन करती है, वाइब्रेशन करती हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। अर्थ हर जगह सेम डेंसिटी नहीं है अर्थ की, राइट? अलग अलग मटेरियल हो सकता है ना रास्ते में जहाँ से जा रही है, पता लगा यहाँ पे मोटा आया, यहाँ पे लिक्विड आ गया, क्या पता वहाँ पे पानी जमा हो, है ना, पहाड़ों के अंदर पानी होता है मे बी, तो वहाँ पे जिस तरीके से जाती है उस हिसाब से इनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। ऑल्दो पी वेव की स्पीड ज्यादा होती है एस वेव से, लेकिन इन दोनों वेव की स्पीड बदलती है एज पर द डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी उस वेव की। समझ आ रही है इतनी सी बात? क्योंकि साउंड वेव है ना ये डेंसर, जैसे मैंने साउंड वेव को पता है बात, साउंड सबसे ज्यादा किसमें ट्रेवल करती है? सॉलिड और गैस, लिख लो इसको, सॉलिड में लिखती है, करती है, नोट डालो, आया हुआ क्वेश्चन है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड देन लिक्विड देन गैस, क्योंकि डेंसर है वो, सॉलिड ज्यादा डेंसर है, लिक्विड कम डेंसर है। ठीक है भाई, कहानी समझ आ रही है हल्की हल्की? तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब आती है अगला, सरफेस वेव। सरफेस वेव के बारे में क्या है? नाम से पता लग रहा है, जब बॉडी वेव सरफेस पे टकराती है तो नई टाइप की वेव जनरेट होती है, उसे कहते हैं सरफेस वेव। बॉडी वेव की वजह से, पहले से नहीं होती, जैसे ही बॉडी वेव अंदर से आएंगी बाहर टकराएंगी सरफेस वेव डेवलप होंगी। ये क्या होगी? सरफेस वेव।
समझ आ गई? सरफेस वेव, सरफेस पे आती है और उनकी बड़ी खास बात, सरफेस वेव आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव ऑफ अर्थक्वेक। इनकी वजह से बिल्डिंग गिरती है। जितना भी तोड़ा फोड़ी होती है सरफेस वेव ही है। क्वेश्चन आएगा विच इज द मोस्ट डेंजरस वेव आउट ऑफ दीज थ्री, आंसर इज सरफेस वेव, वेरी डेंजरस, वेरी। ठीक है तो ये गाने तो दिस इज द सीन ऑफ अर्थक्वेक। अंदर जा रही है, वाइब्रेट करती हुई जा रही है, ये सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? एक डायग्राम देखो, डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम को बना लो पहले, दिख जाएगा, समझ आ जाएगा, है ना? फिर डिफरेंस लगवा देता हूँ पीएनएस वेव का अलग से, डायग्राम बना लो फिर मैं डिफरेंस लगवा देता हूँ ताकि और भी अच्छे समझ आ जाए। पहले पी वेव के बारे में लिखवा देंगे सारा का सारा, फिर एस वेव के बारे में लिखवा देंगे, ना? लिख लो। अब पहले सिमिलैरिटी लिखवा देते हैं एक अलग लाइन से, इसमें लिखो पी वेव एंड एस वेव, पी वेव एंड एस वेव आर बोथ टाइप ऑफ बॉडी वेव्स, आर बोथ टाइप ऑफ बॉडी वेव्स बिकॉज दे ट्रेवल थ्रू बॉडी ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेबल। दीज वेव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द फोकस, दीज वेव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द फोकस, ब्रैकेट में हाइपोसेंटर, है ना? हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थ। पी वेव ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स ट्रेवल्स फास्टर देन एस वेव्स, ट्रेवल्स फास्टर देन एस वेव एंड रीच फर्स्ट एट द सरफेस, एंड रीच फर्स्ट एट द सरफेस। फाइन, एस वेव्स रीच द सरफेस आफ्टर सम टाइम लैग, है ना? थोड़ा लेट पहुंचती हैं आफ्टर सम टाइम लैग। दोबारा वो पी वेव पे, पी वेव ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। हाउएवर, हाउएवर एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, आप लिख लो अलग से सरफेस वेव के बारे में। सरफेस वेव जनरेटेड, सरफेस वेव जनरेटेड व्हेन बॉडी वेव्स रीच द सरफेस, ठीक है? समझ आ गया? लिख लो इसमें, सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डेंजरस वेव्स फॉर कॉजिंग डैमेज ऑन द अर्थ। ठीक है, जैसे एस वेव है वो आ रही है और बीच में कोई आ गया, जैसे लिक्विड आ गया, वो वहीं रुक जाएगी, वो उससे पास नहीं होगी, वो उससे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। चलिए ऐसे हो जाएगी, जैसे ये देखो, जैसे एस वेव आ रही है, अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन को बताऊंगा, इस क्वेश्चन को बताऊंगा, अगले डायग्राम में दिख जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल शैडो जोन्स में, ठीक है?
इसमें लिख लो पी वेव्स. अब एक मिनट सरफेस लिखवा रहा था ना, डेंजरस लिखवा दी. बिल्कुल, अब लिख लो अलग से. पी वेव्स इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. पी वेव इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. दैट इज P waves vibrate parallel to direction of propagation. देखो P waves vibrate parallel to direction of propagation. ऐसे हो रही है ना, इधर देखो vibrate हो रही है parallel ही, इस तरफ जा रही है, same चीज. S wave and surface wave are transverse wave. S wave and surface waves are transverse wave. They vibrate perpendicular to the direction of propagation. यही है भाई सारा डिफरेंस इनका. अब हमें कैसे पता लगा अर्थ का लिक्विड है सॉलिड? ओपन द बुक बुक खोलो और साइडोजोन वाला एरिया निकालो. ये वाला डायग्राम निकालो. हाँ यही, इसको भी दिखाओ. ये देखो, जब एपिसेंटर एक जगह पे था और वहां से पी वेव और एस वेव पास हुई तो पता लगा 105 डिग्री के बाद एस वेव पास नहीं हो रही थी, क्योंकि कोर आ गई थी और आउटर कोर क्या है? लिक्विड. समझाया सुधीर? तो लिक्विड आएगा तो वेव पास नहीं होगी. लेकिन तुम देख रहे हो इसमें जो पी वेव है उसकी डायरेक्शन बदल गई, थोड़ी कंप्रेस हो गई. मैंने बताया ना अभी डेंसिटी के हिसाब से काम करती है, लिक्विड कम डेंसर है तो पी वेव थोड़ी बीच में गायब हुई लेकिन वो पास हुई और आगे आगे चौड़ी हो गई. फिर तो पी वेव का साइडोजोन थोड़ा छोटा है 145 से 105 का, लेकिन एस वेव 105 के बाद आई नहीं रही है. देख रहे हो साइडोजोन मतलब गायब होना, कि वहां पे वो है ही नहीं, पास ही नहीं हो रही है. आया, क्लियर हुआ कि क्या होगा अगर बीच में लिक्विड आएगा तो? ये कहानी है. अब आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, दो टाइप ऑफ स्केल की अर्थक्वेक नापते कैसे हैं. लिख लो. हाँ भाई, कैसे नापते हैं? हरिवंश पढ़ा होगा उसे रिक्टर स्केल बस, और एक और मर्केली स्केल. व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देम? सर रिक्टर स्केल मे बी छोटे है उसको नापता होगा. हाँ भाई, क्या नाम है? सुधीर बताएगा. एक में जो मेजरिंग 1 से 10 तक, एक में 1 से 12 तक. एक डिफरेंस और, एक में 1 से 10 और 1 से 12. उस दिन भी बताया था, क्लियर कराया था, तोड़ूंगा ना मैं. उसमें 0 से 10 और एक में 1 से 12. देखो क्या होता है, अर्थ को एक नापने के दो तरीके होते हैं. या तो मैग्नीट्यूड नाप लो, कितने मैग्नीट्यूड का आ रहा है, यानी कितनी एनर्जी का आ रहा है, या फिर इंटेंसिटी नाप लो कि देख लो कितना डैमेज करके गया, विजिबल डैमेज जो दिख रहा है हमें. समझ आ रही है? मैग्नीट्यूड कितनी एनर्जी लेवल का आ रहा है, और एक आफ्टर अर्थक्वेक देखो कितना विजिबल डैमेज हो गया, यानी पहले यानी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और एक आफ्टर अर्थक्वेक वाला काम है. रिक्टर स्केल एनर्जी लेवल नापता है, मैग्नीट्यूड नापता है, ठीक है. इसकी रीडिंग होती है 0 से 10, मैग्नीट्यूड स्केल है रिक्टर स्केल. और मर्केली स्केल आपकी इंटेंसिटी नापता है, कितना विजिबल दिखने वाला, कितना विजिबल डैमेज हुआ. इसलिए इसकी रीडिंग 1 से 12 है. समझ आ रहा है? 0 थोड़ी दिखेगा, यानी तो नॉर्मल है. तो 1 से 12 विजिबल डैमेज लिख लो. अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट के एनर्जी लिख लेना, ब्रैकेट में डाल के मैग्नीट्यूड दैट इज एनर्जी ब्रैकेट में, एंड इंटेंसिटी. अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड and its intensity. ठीक है, the magnitude scale is known as Richter scale.
it measures the energy released during the earthquake. It measures the energy released during the earthquake. Mercalli scale measures the intensity that is the visible damage caused by the earthquake. Richter की उन्हें range लिखवाई थी? नहीं लिखवाई ना? अभी लिखवा देते हैं. The Richter scale, the Richter scale has range of 0 to 10, 0-10, ठीक है, 0 से 10 में नापता है. And Mercalli scale has range of 1 से 12. बस ये नंबर्स हैं, कोई यूनिट नहीं है, स्केल है, नंबरिंग होती है. अच्छा इतने इतने रिक्टर का आया, ठीक है, इतने मर्कली का आया, ऐसे करके, ठीक है. दिस इज थिंग, कल वॉल्केनो कराएंगे और प्लूटोनिक रॉक कराएंगे. अब इसको कर लो बंद. अब तुमने बंद मत करो, बुक खोल लो, कॉपी खोल लो. तुम्हारे पास 5 मिनट हैं. रिवाइज फर्स्ट बुक, पहली बुक रिवाइज करो और मैं पूछूंगा. अभी कल भी बोला था, होमवर्क दिया था फर्स्ट बुक रिवाइज करने के लिए.